स्वागत है आप सभी का हम कौन ऑफिशियल चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अमेरिका की प्रसिद्ध सिंगर माइलेज मिल्स ने घोषणा की है कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। वो तुर्की की यात्रा के दौरान उन्होंने इस्लाम कबूल किया। डोला माइलेज ने कहा है कि वो अपने कई काम पूरे करने के लिए इस्तांबुल आई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर हिजाब में अपना एक फोटो भी पोस्ट किया है। इंस्टाग्राम पर ही उन्होंने कलमा पढ़ते हुए अपना वीडियो भी पोस्ट किया, जिसे पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मुसलमान हो जाता है। तुर्की के हुरियत समाचार पत्र ने डोला माइलेज के हवाले से बताया है कि वो बहुत दिनों से अपना मार्ग बदलने के बारे में विचार कर रही थी, क्योंकि वो लगभग एक साल से इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी और उन्हें नई नई बातें पता चल रही थी। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल के दौरान उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल कर ली थी। डोला माइलेज इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूम तब मिली जब न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों पर हमला करके कई मुसलमानों को गोली मारकर शहीद करने के बाद उन्होंने इस कत्लेआम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपने मुसलमान बनने की घोषणा कर दी। डोला माइलेज ने न्यूजीलैंड कत्लेआम के बाद लिखा था, इस्लामी फोबिया कई बीमारियों की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है और उसका सबसे अधिक बराबर उदाहरण न्यूजीलैंड की घटना है, जिससे मेरी रगों में खून जम गया और मेरा कलेजा फट गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम प्रेम और मोहब्बत और भाईचारगी का मजहब है और पैगंबर इस्लाम की पहचान मेरे लिए बहुत ही अच्छा आभास है और मैं अपने फैसले पर बेहद खुश हूँ और इसी पर राजी हूँ। अल्लाह ने मुझे ऐसी जीवन में इस्लाम के दायरे में दाखिल होने का अवसर देकर मुझे बहुत बड़ी दौलत दी। PassToday.com के अनुसार तुर्की की यात्रा के दौरान डोला माइलेज ने कहा कि इस्लाम स्वीकार करने के बाद मैं अपने बचपन में लौट गई हूँ, क्योंकि हर दिन मुझे नई नई बातें सीखने को मिल रही है। इस अमेरिकी सिंगर ने तुर्की में एक घर भी खरीद लिया है ताकि साल में कभी कभी छुट्टियां गुजारने के लिए तुर्की जाकर उस घर में रहे। हालांकि कई मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठाना, कई इस्लाम के खिलाफ बातें करना, कई इस्लाम को बुरा भला कहना, लेकिन जो इस्लाम के बारे में नहीं जानता वो ऐसी बातें करेगा और कहेगा। दुनिया गवाह है, जो इस्लाम के बारे में गलत बातें कही है और इस्लाम के बारे में अपशब्द बातें कही हैं और इस्लाम को गालियां दी हैं या बहुत सी चीज़ें कही हैं, वो शख्स आज तक कभी खुश नहीं रहा है। वो मरते दम तक कोई ना कोई बड़ी बीमारी में ऐसी मौत पाया है, दुनिया देखकर हैरान रही है।